आज का ब्रह्मांड संदेश। अगर आपको ये संदेश मिला है तो ब्रह्मांड ने स्वयं चुना है आपको ये संदेश सुनने के लिए। आप बहुत भाग्यशाली हैं। ब्रह्मांड आपसे कहना चाहते हैं, मेरे बच्चे, तुम यह ज़रूर सोचते होगे कि तुम्हारे भाग्य में क्या लिखा हुआ है। तो आज मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है उसे कोई भी नहीं बदल सकता, ना ही कोई उसे छीन सकता है। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह तुम्हें अवश्य ही मिलेगा, परंतु हर चीज़ अपने एक निश्चित समय पर ही घटित होती है। इसी कारण से तुम्हें कुछ चीज़ें विलंब से प्राप्त होती हैं। जब तुम्हारे भाग्य में लिखी चीज़ों का निर्धारित समय आएगा तो वह तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। जिन चीज़ों को लेकर तुम दुखी होते रहते हो वो केवल क्षण मात्र हैं। अभी तुम्हें जीवन में सर्वश्रेष्ठ को प्राप्त करना है, क्योंकि तुम चाहो तो अपने भाग्य और समय दोनों को बदल सकते हो। अब जो बातें मैं तुम्हें भाग्य के बारे में बताने जा रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनना। यदि तुमने इन बातों को अपने जीवन में उतार लिया तो तुम्हारा बुरा भाग्य भी अच्छे भाग्य में परिवर्तित हो सकता है। यह सच है कि मैंने तुम्हारे भाग्य में जो चीज़ें लिखी हैं तुम्हें वही प्राप्त होंगी, परंतु यदि भाग्य को बदलना चाहते हो तो मेरी इन बातों पर ध्यान देना। क्या तुम्हें पता है तुम्हारा भाग्य कैसे लिखा जाता है? मेरे बच्चे, तुम जो भी कर्म करते हो वही तुम्हारा भाग्य बन जाता है। जो कर्म तुम इस समय कर रहे हो वह तुम्हारे भाग्य में लिखा जा रहा है। विधि के द्वारा तुम्हारे भाग्य में अच्छा बुरा सब लिखा जाता है। तुमने जो अच्छे कर्म किए हैं वह तुम्हारे भाग्य में अच्छी चीज़ें लिख रहे हैं, और जो तुम बुरे कर्म कर रहे हो वो तुम्हारे भाग्य में बुरी चीज़ें लिख रहे हैं। ये कार्य हर पल चलता रहता है। इस प्रकार भाग्य और कुछ नहीं बल्कि तुम्हारे कर्मों की करनी का लेखा जोखा है। तुम जिस प्रकार का भाग्य निर्माण करना चाहते हो वैसे ही कर्म करो। जीवन में अपना भाग्य सब बदलना चाहते हैं, परंतु उसके लिए अपने कर्मों पर कोई ध्यान नहीं देता। जिस प्रकार अगर तुम स्वादिष्ट भोजन करना चाहते हो तो उसके लिए तुम कर्म करोगे और उसको बनाने के लिए हाथों का इस्तेमाल करोगे, मेहनत भी करोगे, तब जाकर भोजन तैयार होगा। उसी प्रकार तुम ये शिकायत करना छोड़ दो कि मेरे भाग्य में ही ये सब क्यों लिखा हुआ है, दुख और तकलीफ़ मुझे ही क्यों मिलती हैं, मैंने तो किसी का बुरा नहीं किया फिर भी मेरे साथ ही बुरा क्यों हो रहा है, मुझे जीवन में इतने कष्ट क्यों मिल रहे हैं। इन सब सवालों से तुम अपना ध्यान हटा लो और अपने कर्मों पर ध्यान दो। अच्छा समय हर मनुष्य को चाहिए, परंतु अच्छे समय के लिए अच्छे कार्य और अच्छे कर्म करने पर मनुष्य ध्यान ही नहीं देता। केवल अच्छे कर्म करने से ही तुम्हारे बुरे समय का और तुम्हारे बुरे भाग्य का अंत होगा। उन सभी बुराइयों से दूर रहो जो तुम्हारे आसपास फैली हुई हैं, क्योंकि नकारात्मकता तुम्हें अपनी तरफ खींचने का प्रयास करेगी। तुम्हें ऐसे वक्त में अच्छाई का हाथ पकड़ना है और सही मार्ग पर आगे बढ़ना है। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारा समय और भाग्य दोनों बदल जाएंगे। इसलिए व्यर्थ की चिंताएं छोड़कर अपने कर्मों को ठीक करने पर ध्यान दो। तुम्हारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा
ब्रह्मांड हमेशा तुम्हारे साथ है। जय श्री कृष्णा।